आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हनान फातिमा, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग टॉप 10 हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में लगेगा नाइट कर्फ्यू। जी हां, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। दिसंबर की 25 तारीख रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह में 200 से ज्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकते। ये फैसला ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के मद्देनजर लिया गया है। इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सारे क्रिकेट फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया। वाज रहे हरभजन सिंह ने क्रिकेट को करीब 23 साल दिए हैं। कामयाब सफर के बाद वो इस्तीफा दे दिए और तमाम का शुक्रिया अदा किए। उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने समाजवादी अतर को लॉन्च किए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि अतर से एकता इंसाफ की खुशबू आती है, लेकिन समाजवादी अतर बनाने वाले कारोबारी पीयूष जैन पर आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मारते हुए उसके कब्जे से 150 करोड़ रुपए जब्त कर लिए, जो गैर कानूनी और काला धन बताया जा रहा है। फिलहाल तहकीकात जारी है। गंगा नदी से कई लाशें तैरते हुए किनारे आई। कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर के दौरान मुर्दों को गंगा नदी में कसीर तादाद में फेंका जा रहा था, जिसके बाद आने वाले नमामि गंगे के त्योहार के मद्देनजर ऑफिशियल्स से गुजारिश की जा रही है गंगा नदी को साफ किया जाए। अब देखना यह होगा कि ऑफिशियल्स गंगा नदी को साफ कर पाएंगे या नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के मद्देनजर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खास इजलास किए, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो खास तवज्जो दे आवाम पर और तमाम आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट करवाए। साथ ही उन्होंने कहा रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल फैसिलिटीज के साथ तैयार रहे हालात खराब होने पर। उन्होंने कहा सतर्क और सावधान रहना जरूरी है और कहा हाई लेवल अलर्ट भी रहना जरूरी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 6,400 सहाफी बेरोजगार हो गए। सबसे ज्यादा मुतासिर खवातीन सहाफी हुए हैं, उनके जॉब्स चले गई है। मुश्किल से एक या दो खवातीन सहाफी काम कर रहे हैं तालिबान की हुकूमत के तहत। बताया जा रहा है 3 महीने में करीब 43% मीडिया चैनल्स बंद हो चुके हैं अफगानिस्तान में। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया करप्शन के जुर्म में। बताया जा रहा है साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट जियोन हाई 22 साल के लिए जेल में रहेगी करप्शन के जुर्म के तहत। इटाली में ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के कहर के चलते इटाली ने न्यू ईयर के त्योहार पर बैन लगा दिए। इटाली में रोजाना 44,600 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। इटाली हुकूमत ने आवाम से गुजारिश की मास्क पहनकर घर के बाहर निकलने की। केएफसी कस्टमर को खाने में मुर्गी का सर मिला। जी हाँ, बताया जा रहा है केएफसी चिकन बॉक्स में यूके की खातून को मुर्गी का कटा सर मिला। वो खाते दौरान अचानक मुर्गी के आंख पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने केएफसी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते 60% अमेरिकन मुतासर हो सकते हैं आने वाले साल 2022 के जनवरी से मार्च के दरमियान। बताया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका में 140 मिलियन अफराद को मुतासर कर सकता है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट एक साथ कहर मचा रहे हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने बीटीएस न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीएस न्यूज चैनल।